हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि क्लास चल रही है, 45 चैलेंज फॉर नॉर्सेट नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें आपकी लास्ट क्लासेस चल रही है, वो आप आशा करते आप देख रहे होंगे। तो इसी के कंटिन्यूशन में हम और क्लासे ले रहे हैं। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम सिलेक्ट करते हैं, जो जिससे क्या है कि सिलेक्शन का जो रेट है वो मैक्सिमम हो जाता है, 99% ये मान लो कि हो जाएगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं और स्टूडेंट्स इसको लाइटली ले लेते हैं और छोड़ देते हैं। देखो बच्चों, जब भी आप एग्जाम दो तो कहीं कि क्या है कि क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं, हमेशा कुछ न कुछ छोड़ देते हैं, लास्ट का पॉइंट छोड़ देते हैं, ऑल दैट अप्लाई जैसे क्वेश्चन में लिखा है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, हमेशा क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, उसमें जो स्पेसिफिक जो वर्ड है, जैसे एक्सेप्ट है, प्रायोरिटी है, एक्सेप्ट है, ऑल है, मोस्ट है, ऐसे जो जो पॉइंट्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उसको आपको पढ़ना है आराम से, उसके बाद ही आपको ऑप्शन पे जाना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन है, ए क्लाइंट विथ ए कोलोस्टोमी रिपोर्ट गेस बिल्डअप इन द कोलोस्टोमी बैग। देखो कोलोस्टोमी होता क्या है, सबसे पहले कोलोस्टोमी होता क्या है, देखो कोलोस्टोमी एक आर्टिफिशियल ओपनिंग होती है इंटेस्टाइन और कह सकते हैं अपन कोलन के अंदर, जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे होती है। ठीक है, कोलोस्टोमी आते ही आपको ये पता रहना चाहिए क्या होता है कोलोस्टोमी, क्या है, एक आर्टिफिशियल ओपनिंग है। ठीक है, कोलोस्टोमी, कोलोस्टोमी आते ही आर्टिफिशियल ओपनिंग, किस में आर्टिफिशियल ओपनिंग ऑन एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, और कोलन के अंदर। ठीक है, और अब क्यों भाई कोलोस्टोमी करते क्या है, इसका रीजन क्या होता है, कोलोस्टोमी करने का रीजन होता है कि कहीं कहीं कोलन में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, या कहीं कहीं कोलन की ओपनिंग हो गई है, या कुछ न कुछ इंजरी हो गई है लास्ट कोलन की, तो ऑपरेट हम उसका ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, या सर्जिकल कुछ ओपनिंग करना चाह रहे हैं, जो सिग्मॉइड कोलन है, आगे का जो रेक्टम है। ठीक है, तो वहां के कुछ अपन को सर्जिकल प्रोसीजर करना है, तो हम इसको जो फूड प्रोडक्ट्स है लास्ट के, उनको हम डाइवर्ट कर देते हैं, तब हम ओपनिंग कोलन के अंदर करते हैं। ठीक है, दिए हुए कोलन कोलोस्टोमी, कोलोस्टोमी कितने टाइप की हो सकती है, कोलोस्टोमी 3 टाइप की हो सकती है। जैसे बात करें हम, ये असेंडिंग कोलन है, ये ट्रांसवर्स कोलन है, और ये डिसेंडिंग कोलन है। ठीक है, यदि अपन ओपनिंग यहाँ कर देंगे, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे वेट कोलोस्टोमी, क्या बोलेंगे, वेट कोलोस्टोमी। और यदि हम ट्रांसवर्स कोलन में कर देंगे तो हम इसको बोलेंगे डबल बैरल कोलोस्टोमी, क्या बोलेंगे, डबल बैरल कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी, ठीक है, यदि हम कोलोस्टोमी है वो कहां कर देंगे, डिसेंडिंग कोलन में कर देंगे, तो इसको बोलेंगे हम ट्राई कोलोस्टोमी। समझ में आया, जहां कोलन का जो पार्ट है वहीं अपन ओपनिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से उनका नॉमिनेशन कर दिया हमने, नामकरण कर दिया है। जैसे असेंडिंग कोलन है उसमें अपन कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे वेट कोलोस्टोमी। और यदि ट्रांसवर्स कोलम में हम कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे डबल बैरल कोलोस्टोमी, और यदि हम कर रहे हैं डिसेंडिंग कोलम में तो हम इसको बोलेंगे ट्राई कोलोस्टोमी। देखो बच्चों, वेट जो कोलोस्टोमी है वो मोस्टली टेम्परेरी बेसिस पे की जाती है, टेम्परेरी की बेसिस, क्यों क्यों, इसलिए कि वेट जो कोलोस्टोमी है उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होने का चांसेस ज्यादा रहता है, क्योंकि ये यहाँ अब्जॉर्प्शन होते हैं, असेंडिंग जो है कोलन है उसमें इलेक्ट्रोलाइट के अब्जॉर्प्शन वगैरह होते हैं, तो यहाँ अपन कर देंगे तो इलेक्ट्रोलाइट का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा और पेशेंट्स के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाएगा। तो वेट कोलोस्टोमी है वो मोस्टली टेम्परेरी बेसिस की जाती है, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस इसमें हो जाता है, इसलिए मोस्टली कम करते हैं।
डबल बैरल कोलोस्टोमी, यदि आपको पूछ ले कि डबल बैरल कोलोस्टोमी है वो क्यों कहाँ की जाती है, तो आपको पता रहना चाहिए ट्रांसवर्स कॉलम में की जाती है। इसमें दो ओपनिंग होती है, एक तो डिस्टल लाइन पे होती है, एक प्रोक्सिमल होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये रेयरेस्ट कोलोस्टोमी है। ये आपको यदि पूछ ले कि रेयर कोलोस्टोमी कौन सी है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए रेयर जो कोलोस्टोमी है वो होती है डबल बैरल वाली। और मोस्ट कॉमनली जो की जाती है वो होती है ड्राई कोलोस्टमी। क्या होती है? ड्राई कोलोस्टमी। कौन सी है? ड्राई कोलोस्टमी होती है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और इसको हम परमानेंट कोलोस्टमी भी बोलते हैं। इसमें जो स्टूल है वो एकदम नॉर्मल फॉर्म में आएगा, और जो वेट कोलोस्टमी है इसके अंदर जो स्टूल है वो वेट कह सकते हैं अपन लिक्विड फॉर्म में आएगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर का अब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है और ये लिक्विड फॉर्म में आएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि जब कोलोस्टोमी बैग लगा होता है तो उसको 1/3 होते ही आपको इसको खाली करना होता है। ठीक है, और जो वेफर होता है इसके ऊपर कोलोस्टोमी जो ओपनिंग है उस वेफर, उसको 3 दिन से चेंज करना होता है, और इस पे जिंक ऑक्साइड का पाउडर यूज करना होता है। क्यों यूज करते हैं? इसके पीछे कारण यही है कि इसमें एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट होता है। इससे इससे क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कोलोस्टोमी जो ओपनिंग है उसके पास कम डेवलप होंगे। इससे क्या है कि पाउडर से कोलोस्टोमी जो साइट है वो भी ड्राई रहेगी। ये दो कारण हो गए। तो कोलोस्टोमी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कई कई बार, तो ये 4-5 पॉइंट आप ध्यान रखना। कोलोस्टोमी क्या है? एक आर्टिफिशियल ओपनिंग है अब्डोमिनल वॉल पे, ऑन कोलन कोलन पे होती है। ठीक है, टाइप क्या है? टाइप की बात करेंगे तो ड्राई कोलोस्टोमी हो गया, वेट कोलोस्टोमी हो गया, और डबल बैरल कोलोस्टोमी हो गया। इसके बाद अपन बात करें कि कौन सी परमानेंट होती है, तो जो ड्राई वाली है वो परमानेंट होती है, वेट वाली वो टेम्परेरी होती है, और डबल बैरल वाली रेयरेस्ट होती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें कि क्या इंपॉर्टेंस रोल है नर्सिंग के, तो मैं कह सकता हूँ इंपॉर्टेंट रोल यही है कि जब भी आप कोलोस्टोमी बैग है 1/3 भर गए हैं तो उसको हम खाली करवाएंगे, तुरंत खाली करवाएंगे, क्योंकि यदि आप देखते रहेंगे 1/2 हो गया तब खाली करवाएंगे तो कहीं ना कहीं वो लीक हो जाएगा। और यदि पेशेंट्स को गैस फॉर्मिंग फूड ये दिखा रहा है तो वहां वो क्या है कि एक परमानेंट उसमें जो बैग में गैस गैस भर जाएगी, जिससे क्या कि कोलोस्टोमी बैग है वो लीक हो जाएगा, तो वो स्प्रेड हो जाएगा। इसको बचाने के लिए हम 1/3 ही खाली करना है। तो बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कोलोस्टोमी बैग वो कब खाली करते हैं, तो हमेशा याद रखना आपको 1/3 बैग हो जाए भर जाए तो उस टाइम हम उसको खाली करवाएंगे। इसके अलावा वेफर को हम 3 दिन से चेंज करेंगे, और कोलोस्टोमी का जो ओपनिंग है वो हमेशा पिंकिश कलर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि कोलोस्टोमी का जो जो एरिया है वो आपको कैसा लग रहा है, तो आप क्या करोगे? यदि आपको पिंक लग रहा है तो आप कुछ नहीं करना है, यदि आपको कहीं के ब्लैक लग रहा है और ब्लूइश कलर लग रहा है तो आप इन्फॉर्म करोगे डॉक्टर को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलो हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। कोलोस्टोमी है, पेशेंट को गैस बिल्डिंग इन कोलोस्टोमी बैग, जो बैग है उसमें गैस भर गई है। द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट दैट कंज्यूमिंग विच फूड आइटम वुड हेल्प प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम। अच्छा, कुछ ऐसे फूड्स हैं जो गैस को फॉर्मेशन करेंगे, और सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। देखो ये अप्लाई वाला क्वेश्चन है, इसमें लास्ट में फिर ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन ऐसे दे देंगे, जैसे जैसे ए के अंदर दे दिया टू थ्री फाइव, बी के अंदर दे दिया, ऐसे ऑप्शन दे देगा 1 4 6 ऐसे, सी के अंदर दे दिया ऐसे गलत दे देगा, डी के अंदर दे देगा ऐसे 1 4 6 ऐसे दे देगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे जब क्वेश्चन आए, हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए समझने में और आंसर देने में, क्योंकि ये पूरा यदि क्वेश्चन आपको आता है तो यदि भी एक भी आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक होती है तो आपका पूरा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हम इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। तो इसमें पूछा है कि नर्स इंस्ट्रक्ट क्लाइंट दैट कंज्यूमिंग विच फूड आइटम वुड हेल्प प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम। अच्छा, कौन से फूड पेशेंट खाएगा जिससे क्या कि गैस फॉर्मेशन कम होगा, ये पूछा है। तो आपको
इसमें पता होना चाहिए कि गैस फॉर्मिंग जो फूड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले यही होता है कि गैस फॉर्मिंग फूड कौन कौन से होते हैं। तो गैस फॉर्मिंग फूड इसमें आता है, देखो गैस फॉर्मिंग फूड्स में कुछ फूड्स हैं वो आप याद कर सकते हो, ध्यान में कर सकते हो। ऑनियन है, ठीक है, पी है, इसके अलावा ब्रोकली है, ठीक है, कॉलीफ्लावर है, ठीक है, जितनी भी टाइप की गोभी आती है मार्केट्स में वो है, ठीक है, इसके अलावा मशरूम है, ठीक है। ये सब गैस फॉर्मिंग फूड है। आपको ध्यान में होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ऑप्शन चेंज कर दे, आपको पता होना चाहिए कि जो गैस फॉर्मिंग जो फूड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ऑनियंस है, पी है, ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, ठीक है, ये सब मशरूम है, ये गैस फॉर्मिंग फूड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको एडवाइस करना है पेशेंट्स को कि इसके अलावा आपको जो भी खाना है वो खा सकते हो, क्योंकि आपको कोलोस्टमी लगा हुआ है, कोलोस्टमी बैग में बार बार गैस आएगी और कोलोस्टमी बैग है वो फुल हो जाएगा और लीक होने का चांस बढ़ जाएगा। तो आपको पेशेंट्स को यही बताना है कि आप ब्रोकली मत खाओ, कैबेज मत खाओ, ठीक है, कॉलीफ्लोर मत खाओ, और ये मशरूम वगैरह के थोड़ा सा अवॉइड करो, जिससे क्या है कि ये बैग वो लीक नहीं होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा? ये नहीं खाना है, ठीक है, ब्रोकली नहीं खाना है, केबेज नहीं खाना है और कुलीफ्लोर नहीं खाना है। तो अब बस कौन कौन सा गया? 1, 4 एंड 6। 1, 4, 6 में है, बी ऑप्शन में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 1, 4, 6। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आजकल का पैटर्न यही हो गया है कि आपको एक चीज मिस हो गई है, इसका मतलब क्वेश्चन गया आपके हाथों से। तो आपको एकदम आराम से पढ़ना है, और एक भी आप चीज छोड़ दोगे ना तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ऐसी चीजों को आप थोड़ा सा माइंड में रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द नर्स परफॉर्म ए न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट विथ ए न्यूली अप्लाइड कास्ट। न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट कर रही है नर्स जिसपे हाथ पे कास्ट अप्लाई किया हुआ है। द नर्स वुड डिटरमाइन दैट देयर इज ए नीड फॉर क्लोज ऑब्जर्वेशन एंड नीड फॉर फॉलो अप इफ विच इज नोटेड। क्या नोट करेगी कि फॉलो अप के लिए जरूरत पड़ेगी? तो इसमें पहला ऑप्शन है पालपेट पल्स डिजिटल टू कास्ट। कास्ट लगा हुआ है हाथ पे, ठीक है, और उसका डिजिटल जो पल्स है वो पालपेट कर रही है, ठीक है, अच्छी बात है। और कैपिलरी रिफिल ग्रेटर देन 6 सेकेंड, जो कैपिलरी फिलिंग है वो 6 सेकेंड से ज्यादा हो रही है, और ब्लेंचिंग ऑफ द नेल बेड व्हेन इट प्रेस्ड, प्रेस करें तो ब्लेंचिंग हो रहा है, सेंसेशन वेयर द एरिया डिजिटल टू द कास्ट इज पिंच्ड। देखो ये कास्ट से संबंधित क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये भी पूछ लेते हैं बार बार कि हम क्या क्या ऐसा देखेंगे कि वो हम नोट करेंगे कि पेशेंट्स को कास्ट लगा हुआ, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट अपन को नोट करना है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए जो कास्ट है उसे क्या है, कई कई बार क्या है कि जो नर्व सप्लाई है और वेस्कुलर सप्लाई है वो कंप्रेस हो जाती है डिस्टल पार्ट्स के। तो ये हम ध्यान में रखेंगे कि क्यों कंप्रेस हो रही है, कहीं कहीं कास्ट का प्रेशर ज्यादा तो नहीं पड़ रहा है, तो अपन को नोट करना है, ठीक है। तो पालपेट तो करना ही है, डिजिटल जो पार्ट है वो पालपेट तो करेंगे क्योंकि कास्ट लगा है, कहीं कहीं सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रही है। डिप्रेस्ड नेल बेड डिप्रेस्ड, तो इसमें क्या है कि आपका जो कैपिलरी रिफिलिंग टाइम है वो 2-3 सेकेंड ही होता है, लेकिन इसमें लिखा है कैपिलरी रिफिलिंग ग्रेटर देन 6 सेकेंड से ज्यादा हो रहा है, मोर देन 6 सेकेंड हो रहा है। इसका मतलब यही है कि वहां की जो
जिस एक्सेल मटेरियल की सप्लाई हो रही है वो कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ये मोर देन 6 सेकेंड लग रहा है, इसका मतलब कहीं कहीं उसकी सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो आपको ध्यान में रखना है कि उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो इम्पेयर नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। तो कैपिलरी फिलिंग टाइम है वो इसमें इंपॉर्टेंट बन जाएगा। मोर देन 6 सेकेंड है तो आपको उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें डायरेक्ट यही है, इसमें कोई ज्यादा डिटेल्स वाली बात है नहीं। असेसमेंट करना, ऑब्जर्वेशन करना है आपको। द नर्स इज मॉनिटरिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज मॉनिटरिंग एन अनकॉन्शियस क्लाइंट हु सस्टेंड ए हेड इंजुरी, हेड इंजुरी का पेशेंस है, ठीक है, विच ऑब्जर्विंग पोस्चर सपोर्ट दैट सस्पिशियस सस्पिशन दैट द क्लाइंट सस्टेंस एन अपर ब्रेन स्टेम इंजुरी। अच्छा, आपको ध्यान में रखना है कि ब्रेन स्टेम इंजुरी से पेशेंट्स की कौन सी पोस्चर ले लेता है मोस्टली, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ब्रेन स्टेम इंजुरी के अंदर डिकोर्टिकेटेड जो पोस्चर हो जाती है वो हो जाती है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट्स का अबनॉर्मल इनवॉन्ट्री एक्सटेंशन हो जाता है, नहीं कि फ्लेक्शन, फ्लेक्शन नहीं होता है। ब्रेन स्टेम इंजुरी होती है तो उसमें अबनॉर्मल जो पोस्चर लेता है वो पेशेंट, वो क्या लेता है, एक्सटेंशन वाली पोजिशन लेता है, इनवॉलेंट्री एक्सटेंशन हो जाता है अबनॉर्मल टाइप का। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। सीधा क्वेश्चन आता है ये, कई कई बार पूछ लेते हैं कि ब्रेन स्टेम इंजुरी से कौन सा पोस्चर ले लेता है पेशेंट, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है एक्सटेंशन वाला पोस्चर ले लेता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है अबनॉर्मल इनवॉलेंट्री फ्लेक्शन, फ्लेक्शन ले लेता है, ठीक है, ये भी बात नहीं बैठी। और तीसरा नंबर ऑप्शन है अपर एक्सट्रीमिटीज एक्सटेंशन, अपर एक्सट्रीमिटीज ओनली एक्सटेंशन एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज फ्लेक्शन, तो ये भी गड़बड़ हो गया। और चौथा ऑप्शन है अपर एक्सट्रीमिटीज फ्लेक्शन विथ लोअर एक्सट्रीमिटी एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन इसमें भी उल्टा दे दिया है। लेकिन दो नंबर वाला जो ऑप्शन है अबनॉर्मल इनवॉलेंटरी एक्सटेंशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, ये ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि जो ब्रेन स्टेम जो इंजुरी है उसके अंदर अबनॉर्मल इनवॉलेंटरी एक्सटेंशन ही होता है। तो आपको ये डायरेक्ट ध्यान में रखना है कि अबनॉर्मल इनवॉलेंटरी एक्सटेंशन इसमें हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है, एक बार पढ़ो, यदि आपको इसका आंसर आता है और आपको कम आता है तो आप कमेंट छोड़ सकते हो। आप वीडियो देख रहे हो तो आप कहीं कहीं थोड़ा बहुत आपको ध्यान में आ रहा है कि हाँ ये है, तो आप कमेंट छोड़ो, जिससे क्या कि आपको पता चलेगा कि हाँ मैं ये वीडियो दे, या आपको एग्जाम में सपोज करो एग्जाम में आ ही गया, ठीक है, तो आपको ध्यान में रहेगा कि अच्छा मैंने गलत किया था, मैंने सही किया था। यदि सही किया है तो आपको और पक्का हो जाएगा, यदि आपने गलत किया है तो आपको दिमाग में ये रहेगा कि सर ने ये अपन को करेक्ट करवाया था, ठीक है। तो हमेशा आप यदि हो सके तो आप कमेंट छोड़िए, जैसा कि जो क्वेश्चन चल रहा है उसका आप कमेंट छोड़ सकते हो कि अच्छा सर इसमें ये होगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा खुद का कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अच्छा मेरे को ये आता है तो वैसे डेवलप हो जाएगा, और नहीं आता है तो आपको करेक्ट हो जाएगा, तो वैसे आपको पता रहेगा कि हाँ चलो मेरा गलत हुआ था अब मेरा सही हो गया। तो आप हमेशा कमेंट छोड़िए, जो भी क्वेश्चन है उसका आप आंसर दीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट रिटर्निंग टू द यूनिट आफ्टर राइट रेडिकल मास्टेक्टोमी हो गया है पेशेंट्स का, और वापस पेशेंट है वो वार्ड के अंदर आए हैं टू ट्रीट ब्रेस्ट कैंसर, इंक्लूडिंग विच इंटरवेंशन इन द नर्सिंग प्लान ऑफ केयर फॉर दिस क्लाइंट। देखो बच्चों, इसमें ये जो मास्टेक्टोमी वाला क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई कई बार ये पूछा गया है, तो इसको हम देखते हैं। मास्टेक्टोमी क्या होती है? मास्टेक्टोमी है रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू, ब्रेस्ट टिश्यू को रिमूव करना ही मास्टेक्टोमी कहते हैं। अच्छा, इसमें लिखा है रेडिकल मास्टेक्टोमी, ठीक है, राइट रेडिकल मास्टेक्टोमी, राइट का मतलब राइट साइड में, रेडिकल्स का मतलब ये हो गया बच्चों यहाँ पे, सॉरी रेडिकल्स का मतलब ये हो गया कि उसका जो मस्कुलर है ब्रेस्ट टिश्यू के साथ साथ
मसल्स है और एक्सिलरी जो लिम्फ नोड है उसको भी हटा दिए, तो इसको हम कंबाइनली बोलेंगे रेडिकल मास्टेक्टोमी। मास्टेक्टोमी का सीधा मीनिंग आपको पता होना चाहिए, मास्टेक्टोमी का सीधा मीनिंग हो गया ओनली ब्रेस्ट टिश्यू को हटाना। रेडिकल्स का यहाँ पे दो चीज और ऐड करनी पड़ेगी, मसल्स और वहां की एक्सिलरी जो लिम्फ नोड है उसको भी हटा दिया गया है। तो रेडिकल मास्टेक्टोमी कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको ध्यान में रखना है कि कहीं ना कहीं उसका जो मास्टेक्टोमी का एरिया है वो बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कैंसर की जो स्टेज है, ब्रेस्ट कैंसर की जो स्टेज है वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो गई है, ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पेशेंट आपके पास आ गया आईसीयू के अंदर या वार्ड के अंदर, और पेशेंट्स को रेडिकल कोलोस्टोमी हो रखा है राइट साइड वाला। आपको यहाँ ध्यान रखना है राइट साइड वाला, देखो इंपॉर्टेंस पॉइंट है, आपको ये ध्यान रखना है। ये यहाँ पे सीधा भी लिख सकता था कि ओनली रेडिकल मास्टेक्टोमी, लेकिन इसे राइट लिखा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जरूर उसने फंसाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ऑप्शन फर्स्ट क्या बता रहा है कि टेक ब्लड प्रेशर इन द राइट आर्म ओनली। अच्छा जी, आप इधर से ऑपरेशन करवा के आए हो और इधर से बीपी लेओगे, आपको जच रही बात, ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है ड्रॉ सीरम लेबोरेटरी सैंपल फ्रॉम राइट आर्म। अच्छा, सैंपल है वो राइट आर्म से लेना है। तीसरा ऑप्शन, पोजीशन क्लाइंट सुपाइन एंड फ्लैट विथ राइट आर्म एलिवेटेड, राइट आर्म को एलिवेट करना है पिल्लो की सहायता से। चेक द राइट पोस्टीरियर एक्जिला वेयर एक्जिला एरिया व्हेन असेसिंग द सर्जिकल ड्रेसिंग। ये बात है, देखो यदि पेशेंट्स का रेडिकल मास्टेक्टोमी हुआ है, ठीक है, तो उस साइड से आपको बीपी नहीं लेना है, पहली बात। उस साइड से आपको ब्लड सैंपल भी नहीं लेना है, तो पहला और दूसरा जो आंसर वो डायरेक्टली गलत हो रहा है। क्यों नहीं लेना है, क्यों नहीं, इसलिए नहीं लेना है, कहीं कहीं पेशेंट्स का स्वेलिंग्स और बढ़ जाएगी, कंडीशन है और सीवियर हो जाएगी, इसलिए हम वहां अवॉइड करवाएंगे, वहां पे अवॉइड करवाएंगे उस हाथ को, हम उस साइट्स को हम बचा के रखेंगे कि कहीं ना कहीं जो सर्जिकल साइट है वो इम्पेयर नहीं हो जाए, अब नॉर्मल नहीं हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद लिखा है पोजीशन क्लाइंट सुपाइन एंड फ्लैट और आर्म का वो एलिवेट रखना है, ठीक है एलिवेट रख लो, कोई इश्यू है नहीं, लेकिन आपका फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं असेसिंग सर्जिकल ड्रेसिंग, ये सबसे बेस्ट बैठ रहा है, ठीक है। पिल्लो देंगे, ब्लड प्रेशर उसमें लेंगे नहीं है, पिल्लो लगाएंगे तो ज्यादा स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। और सैंपल तो बॉडी से कहीं से ले सकते हो, राइट से लेना क्या जरूरी है, लेफ्ट से ले सकते हो आप, और बीपी है वो लेफ्ट से क्यों, लेफ्ट से भी ले सकते हैं, राइट में क्यों लगाना है, राइट में यदि को ये मास्टेक्टोमी हो रखा है तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सर्जिकल ड्रेसिंग है मास्टेक्टोमी की, जहाँ राइट साइड के अंदर, तो उसको हम देखेंगे कि इनके अबनॉर्मलिटी वहां पे है या नहीं है, तो है तो आपको उनको इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को, और नहीं है तो ठीक बात है, वेल एंड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विद हिपेटिक एनसेफेलोपैथी, हिपेटिक एनसेफेलोपैथी पैथी टू फिल आउट द डाइटरी मेनू, द नर्स इज एडवाइज क्लाइंट टू अवॉइड विच एंट्रीज आइटम्स। कौन सा एंट्री आइटम्स है वो अवॉइड करना है। देखो बच्चों, हिपेटिक एंसेफेलोपैथी क्या होता है, हिपेटिक एंसेफेलोपैथी लीवर के, हिपेटो मतलब लीवर के कारण कहीं न कहीं ब्रेन के अंदर अबनॉर्मलिटीज या अबनॉर्मल कंडीशन डेवलप हो जाना हिपेटिक एंसेफेलोपैथी कहेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन का आगे डायट्री मेन्यू का आप जा पाओगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिपेटिक एंसेफेलोपैथी जस्ट सिंपल है लीवर के कारण होने वाली डिजीज, जिससे कि ब्रेन में अबनॉर्मलिटीज अब डेवलपमेंट हो गई है, उसको हम बोलेंगे हिपेटिक एनसेफेलोपैथी। अच्छा देखो, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, पहले टोमेटो सूप है,
फ्रेश फ्रूट है, प्लेट है, वेजिटेबल्स है, और फोर्थ मेरा ग्राउंड बीफ। देखो बच्चों, पेशेंस का जो लीवर है उस पे लोड रहता है, जितना भी अपन फैट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, उनको डाइजेस्ट करने का और रोल रहता है, ठीक है। तो वो बाइल बनाएगा या कहीं ना कहीं जिसमें जो अब्जॉर्प्शन होके पोर्टल वेन के द्वारा लीवर के पास न्यूट्रिएंट्स आएंगे, उसको हम लीवर वो डाइजेस्ट करने का काम रहेगा। तो कहीं ना कहीं लीवर में एबनॉर्मलिटीज है और लीवर की वजह से ही दिक्कत हो रही है, तो आप ऐसे फूड्स को अवॉइड कीजिए जिससे कि लीवर पे लोड बढ़े। ऐसा क्या फूड खा रहे हैं? यदि हम ज्यादा प्रोटीन खाएंगे, तो लीवर पे लोड रहेगा, जैसे कि अमोनिया, आपने अमीनो एसिड लिया, अमोनिया बना, ठीक है ठीक है। तो अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए लीवर का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यदि वहां पे हम हाई प्रोटीन डाइट खा रहे हैं तो लीवर पे ऑलरेडी दबा हुआ लीवर है, ऑलरेडी अनहेल्दी लीवर है, तो आपका लीवर है वो अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा और आपकी जो कंडीशन है वो और सीवियर होती जाएगी। तो आपको हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे फूड्स को अवॉइड करवाना है जिससे कि पेशेंट्स की जो कंडीशन है वो वर्सन होती रहे, सीवियर होती रहे। तो टोमेटो सूप कोई दिक्कत नहीं है, टोमेटो सूप ले सकता है, ठीक है। और फ्रेश फ्रूट फ्रूट भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई ज्यादा है नहीं। वेजिटेबल्स ले सकता है, लेकिन 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 ग्राउंड बीफ हाई प्रोटीन डाइट है, और इससे क्या है कि पेशेंट्स का कंडीशन है और वर्सनिंग होती रहेगी। तो हमेशा ध्यान में रखना है, ऐसे फूड्स को आपको अवॉइड करना है ऐसे कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए आप। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टिपिन से रिलेटेड क्लासें और भी ले रखी है यूट्यूब पे, स्केल्टन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई है। आपको कम समझ में आया है टिपिन तो आप उसको दोबारा जाके देख सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, ए क्लाइंट रिसीविंग टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टीपीएन आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा मैं बताऊंगा। यदि आपको डिटेल्स में जाना है तो आप इस पे प्लेटफॉर्म पे पड़ी है, आप वो जाके दोबारा देख लेना। रिपोर्ट्स नोजिया, पोलीडिप्सिया, पोलीयूरिया टू डिटरमाइन द कोज ऑफ क्लाइंट्स रिपोर्ट्स, नर्स वुड असेस विच क्लाइंट्स डाटा, कौन सा डाटा वो नर्स असेस करेगी। पेशेंट्स को टीपीएन चल रहा है, सबसे पहले टीपीएन होता क्या है? देखो टीपीएन है, टीपीएन है वो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। जब पेशेंट्स ओरल एंटेरिक जो रूट है उससे नहीं ले पाता है, ओरल जो रूट है उससे नहीं ले पाता है, तो उसका अल्टरनेटिव जो ऑप्शन है वो अपन करते हैं टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। जो जितना भी अपन न्यूट्रिशन दे रहे हैं टोटली किससे देंगे, आईवी देंगे कह सकते हैं हम, पेरेंटली देंगे, ठीक है। तो टीपीएन जिसमें प्रोटीन्स भी होगा, कहने का मतलब अमीनो एसिड भी होगा, फैट भी होगा और कार्बोहाइड्रेट भी होगा, तो ये सब का कॉम्बिनेशन होता है टीपीएन, जिससे क्या कि पेशेंट्स को डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स जो है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो मिलते रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या असिस्ट करना है, क्या कौन सा डाटा असिस्ट करना है कि पेशेंट्स को टीपीएन चल रहा है? अच्छा सॉरी, पेशेंट्स को टेम्परेचर रेक्टल वाल देखेंगे टीपीएन चल रहा है तो, और सीरम देखेंगे पोटेशियम लेवल, तीसरा नंबर है कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज देखेंगे, चौथा है सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन देखेंगे, ये सब देखेंगे। तो ऐसा है कि टीपीएन चल रहा है तो मोस्ट कॉमन चांस रहता है, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट भी है, एल्ब्यूमिन सॉरी एमिनो एसिड्स भी है और कार्बोहाइड्रेट्स है और सॉरी फैट्स भी है। तो इनसे पेशेंट्स पेशेंट्स का जो ग्लूकोज का लेवल है वो कहीं न कहीं ज्यादा होता है। क्यों होगा? क्यों अपन दे रहे हैं डायरेक्ट पेशेंट्स को टीपीएन में
डायरेक्ट ग्लूकोज मिल रही है, डायरेक्ट वो अमीनो एसिड्स मिल रहा है, तो उसका जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको वहां पे टेम्परेचर देखने की जरूरत नहीं है, पोटेशियम लेवल, कैपिलरीज सॉरी यूरिया लेवल वो देखने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं नोजिया वोमिटिंग से इसका कारण बन सकता है हाइपरग्लाइसेमिया। पेशेंट्स को ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया है तो उसको हम कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल ही चेक करेंगे, इसके ये चेक करने की जरूरत है नहीं। कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे क्यों? क्योंकि हम टीपीएन में ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं, तो आप इंपॉर्टेंस पॉइंट यही बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके डिस्प्ले पे पढ़िएगा और जो भी आपको आंसर आता है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ए क्लाइंट एडमिटेड टू हॉस्पिटल विथ डायग्नोसिस ऑफ सीरोसिस डेमोस्ट्रेटिव मैसिव एसाइटिस। देखो इंपॉर्टेंस वर्ड्स आ रहे हैं, सीरोसिस, मैसिव एसाइटिस, कोजिंग डिस्पनिया, ठीक है। द नर्स परफॉर्म विच इंटरवेंशन एज प्रायोरिटी, प्रायोरिटी प्राथमिकता पे आप नर्स क्या रख रही है टू असिस्ट क्लाइंट विथ दिस कॉम्प्लिकेशन। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिरोसिस क्या होता है। सबसे पहले वर्ड आता है सिरोसिस। सिरोसिस कुछ भी नहीं है, जो हिपेटोसाइट सेल्स होती है लीवर की वो रिप्लेस हो जाती है स्कार टिश्यू के अंदर, स्कार सेल्स के अंदर, ओनली यही होता है। लीवर सिरोसिस का मतलब यही होता है, जस्ट सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड आ रहा है मैसिव एसाइटिस। मैसिव एसाइटिस क्या होता है? एसाइटिस होता है कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड्स ऑन द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डिस्पनिया। पेशेंट्स को रेस्पिरेशन लेने में, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, डिस्पनिया है, ठीक है। और इसमें अच्छा ये सब कंडीशन है तो पेशेंट्स की ये कंडीशन है तो नर्स है वो प्रायोरिटी में क्या रखेगी? प्रायोरिटी पूछिए यहाँ पे, कई की बार कंफ्यूज कर देता है ये प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन है। आप यहाँ पे नहीं होता तो कहीं कहीं इसका ऑप्शन चेंज हो सकता था, लेकिन प्रायोरिटी है, आप लीस्ट प्रायोरिटी भी पूछ सकता था। तो यहाँ पे प्रायोरिटी है, इंपॉर्टेंस पॉइंट यही आता है बच्चों यहाँ पे। तो सिरोसिस है, सिरोसिस पहले बात होता क्यों है? सिरोसिस, सिरोसिस कहीं कहीं हो सकता है इंक्रीज अल्कोहल कंजप्शन के कारण हो सकता है, कहीं कहीं लीवर इंफेक्शन की वजह से हो सकता है, कहीं कहीं टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन्स की वजह से भी हो सकता है। तो काफी सारे ऑप्शन होते मतलब कारण हो सकते हैं लीवर सिरोसिस पे। उस पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लिवर सिरोसिस की ऑलरेडी क्लास ले रखी है, यदि आपको जानना है तो आप वहां जाके देख सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्ट में यही बताना है कि लिवर सिरोसिस है ओनली जो हिपेटोसाइट सेल्स होती है लीवर की वो रिप्लेस हो जाती है, वो कहीं ना कहीं हिपेटोसाइट सेल वो डैमेज हो जाती है। किससे हो सकती है? वो अलग अलग कारण रहते हैं, जैसे कि एल्कोहल भी है, टॉक्सिक इफेक्ट्स भी है, ठीक है। तो ये कुछ कारण है रहे हैं, इन्फेक्शन भी है। तो इससे इससे क्या है कि सिरोसिस हो सकता है। उससे उसके कारण क्या होता है? उसके कारण ये होता है कि अब्डोमिनल कैविटी में फ्लूड कलेक्शन हो जाता है, और फ्लूड कलेक्शन होने की वजह से पेशेंट्स का एब्डोमिनल वॉल एकदम टाइट हो जाता है, स्वेलन हो जाता है, ठीक है। और वो जो स्वेलेंस और टाइट जो एब्डोमिनल है वो कंप्रेस करता है डायफ्राम को, रेस्पिरेटरी मसल्स को, और कंप्रेस करेगा, जिससे क्या है कि पेशेंट से वो आराम से ब्रीथ नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब क्या हो सकता है? वो डिस्पनिया हो जाए उसको। तो आपको प्रायोरिटी में क्या रखना है? तो पहला ऑप्शन है इसमें रिपोजिशनिंग साइड टू साइड एवरी 2 2 आवर्स, 2 2 घंटे से उसको साइड टू साइड पोजिशन करेंगे। तो अच्छा 2 2 घंटे से हम पोजिशन चेंज करेंगे तो उसका डिस्पनिया ठीक हो जाएगा, आपको लगता है? नोट करने वाली बात है। उसके बाद 2 नंबर ऑप्शन है एलिवेट द हेड ऑफ द बेड 60 डिग्री एंगल पे, आप एलिवेट कर दोगे बेड के हेड को, एलिवेट कर दोगे थोड़ा सा, कितना? 60 डिग्री में। अस्कल्ट लंग फील्ड एवरी 4 4 घंटे से आप अस्कल्ट करोगे तो उसका डिस्पनिया ठीक हो जाएगा, ये भी बात नोट करने वाली है। 4th नंबर ऑप्शन है एनकरेज डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज एवरी 2 2 घंटे, 2 2 घंटे से आप डीप ब्रीथ करो, पेशेंट को एडवाइस करोगे डीप ब्रीथ करोगे तो उससे डिस्पनिया रिलीव हो जाएगा,
लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये डिस्पनिया है वो एसआईटिस की वजह से हुआ है। कहीं कहीं उसका जो अब्डोमिनल जो कैविटी है उसमें फ्लूइड कलेक्शन हो गया है, और वो जो फ्लूइड कलेक्शन है वो कंप्रेस कर रहा है डायफ्राम को, रेस्पिरेटरी मसल्स को। तो जहां जड़ है उसको देखना पड़ेगा ना, तो कंप्रेस कर रहा है तो सेकेंड आवरली रिपोजिशनिंग करने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और जो चार चार घंटे से हम यदि आप लंग साउंड सुनोगे तो उससे रिलीव थोड़ी हो जाएगा, डिस्पनिया रिलीव नहीं होगा उससे। इसके अलावा फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है, एनकरेज द ब्रीथिंग, ब्रीथिंग एक्सरसाइज को एनकरेज करेंगे, लेकिन एनकरेज करने से डिस्पनिया फिर भी रिलीव नहीं होगा तो फिर क्या होगा। यदि आप पेशेंट्स को 60 डिग्री पे एलिवेट कर दोगे हेड को, तो उससे क्या होगा कि जो अब्डोमिनल जो का प्रेशर है वो कम हो जाएगा, जिससे क्या है कि अब्डोमिनल प्रेशर कम होने से डायफ्राम को स्पेस मिलेगा, स्पेस मिलेगा तो पेशेंट्स को रेस्पिरेशन लेने में इजी रहेगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, यदि पेशेंट्स को डिस्पनिया हो रहा है तो आप पेशेंट्स का जो हेड है वो एलिवेट करवा सकते हो। कहाँ तक करवा सकते हैं, 60 डिग्री एंगल पे आप एलिवेट करवा सकते हो, जिससे कि पेशेंट्स आराम से रेस्पिरेशन ले सकेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं होंगे, ऑप्शन 2 है इसका करेक्ट रहेगा। यदि आपको ऑप्शन सपोज करो आपने कमेंट में डाला और गलत हो गया, कोई बात नहीं है, गलत हो गया आप कमेंट डालो, जो भी गलत होगा सही होगा वो करेक्ट करवा रहे हैं ना आपको। आप जैसा भी आता है, आपको करेक्ट आता तो करेक्ट, अनकरेक्ट आता तो अनकरेक्ट, जो भी है कमेंट डालो आप, जिससे कि हम बता रहे हैं उस हिसाब से आप अपने माइंड में वापस इसको करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। व्हाइल गैदरिंग डाटा, आप पढ़िए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, एक मेडिसिन पे बेस्ड है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मेडिसिन के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाइल गैदरिंग डाटा नर्स नोट दैट द क्लाइंट हैज बीन प्रिस्क्राइब टोलरेडोन मेडिसिन है। द नर्स वुड डिटरमाइन दैट क्लाइंट इज टेकिंग द मेडिकेशन टू ट्रीट विच डिसऑर्डर। सीधा सा क्वेश्चन है इसमें, टोलरेडोन है वो किस लिए यूज होती है आपको पता रहना चाहिए। ऑप्शन में दिया है ग्लूकोमा, पाइलोरिक स्टेनोसिस, रीनल इनसफिशिएंसी, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी। सबसे पहले हम बात करते हैं टोलरेडोन है वो एंटी स्पास्मोटिक मेडिकेशंस है। देखो इसका डायरेक्ट जो आंसर जाएगा वो फोर्थ नंबर जाएगा। इसमें रिटेंशन ऑफ, जब पेशेंट्स को रिटेंशन हो रहा है, यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है, तो टोलरेडोन नहीं देना है, याद रखना है। यदि यूरिनरी फ्रीक्वेंसी है ठीक है और अर्जेंसी है, उस टाइम हम टोलरेडोन देते हैं, ठीक है। आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़िए आराम से। द नर्स इज प्रोवाइड डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू ए क्लाइंट्स विथ डायबिटीज मेलाइटस। बिगिनिंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक थेरेपी विच स्टेटमेंट इफ मेड बाय द क्लाइंट इंडिकेट ए नीड फॉर फर्दर टीचिंग्स सेलेक्ट ऑल अप्लाइड। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट जो पेशेंट्स बोलेगा ठीक है, जिससे क्या है कि हमको फर्दर उसको टीच करवाने की जरूरत रहेगी, कौन कौन से इसमें से स्टेटमेंट है वो हमको सिलेक्ट करेंगे, एक बार आप पढ़िएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आजकल पैटर्न बन गया है कि अप्लाइड वाले जो क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। यदि आपको एक पॉइंट भी मिस हो गया तो एक क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि अप्लाइड वाले क्वेश्चन में चार पांच ऑप्शन को सिलेक्ट करके एक ऑप्शन बनता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि चारों पांच जो जितने भी अभी इसमें 6 ऑप्शन दिए हैं, 6 के 6 ऑप्शन आपको आने चाहिए, तब तो क्वेश्चन सही होगा। ऐसा नहीं कि हम अलग करके या छांट के हम एक सिलेक्ट कर लिया और वो सही हो गया, इसमें वो वाला सिस्टम ही नहीं बचा है।
एडवांस हो गया है। समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा, तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इफ आई एम इल आई शुड स्किप माई डेली डोज। पहला इसने ये बोला कि इफ आई एम इल शुड स्किप माई डेली डोज, ठीक है। इफ आई ओवर ईट आई विल डबल माई डोज। यदि ओवर ईट कर लिया तो मेरी जो हाइपोग्लाइसेमिक जो मेडिकेशन है उसको मैं डबल कर दूंगा। ये है, ओरल अल्जेन एजेंट्स आर इफेक्टिव इन मैनेजिंग टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस, ठीक बात है। इफ आई बिकम प्रेग्नेंट आई विल डिसकंटिन्यू माई मेडिकेशंस। गिव 2 मिलेटस है तो डिसकंटिन्यू क्यों कर देंगे, नहीं करना है। ओरल हाइपोग्लाइमिक ग्लाइसेमिक मेडिकेशंस विल कॉज माई यूरिन टर्न ऑरेंज कलर का हो जाएगा हाइपोग्लाइसेमिक मेडिकेशन की वजह से, ये भी नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा माय मेडिकेशंस आर यूज्ड टू मैनेज माय डायबिटीज अलोंग डाइट और एक्सरसाइज, ये भी ठीक है। मेडिकेशंस है वो मैनेज करेगी डायबिटीज को, और एक्सरसाइज भी आपको करना है। इफ आई बिकम प्रेग्नेंट तो डिसकंटिन्यू नहीं करना है, मेडिसिन को कंटिन्यू रखना है फिर भी। और इफ ओवर इट डबल डोज नहीं करना है। आई एम पहला ऑप्शन भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, ठीक है। और तीसरा और छठा ये ऑप्शन सही हो रहा है। तो ये यदि पेशेंस है ये स्टेटमेंट बोल रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि पेशेंस को दोबारा टीच करने की जरूरत है, दोबारा समझाने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं। इसमें 1, 2, 4 एंड 5, जैसे ये ऑप्शन में ऐसे आएगा, जैसे ए में दे दिया 1, 2, 4 एंड 5, ठीक है। बी ऑप्शन में आपको दे देगा 3 एंड 6, सी में दे देगा आपको 1, 2, 3, 5, 6, और सी डी में आपको दे देगा 1, 2, 5, 4, ऐसे दे देगा, ठीक है। तो आपको इसमें जो पेशेंट को नहीं समझ में आया वो स्टेटमेंट जो यदि बोल रहा है तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा अप्लाइड ऑन वाला ऑप्शन ए, इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम और आगे लेके आएंगे। ये जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, आप नहीं समझ आया तो आप कमेंट करो, और समझ में आया है तो आप इसको हमेशा याद रखने की कोशिश करो, जिससे क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्टली सही हो जाएगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस के लिए बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।